क्या करता है? फैला देता है। ये क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? अपसारी। अभिसारी का मतलब ये होता है अपसारी, ये और उत, ये क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है यानी छितरा देता है। ठीक है, चलिए अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण का, बात करेंगे किसका बात करेंगे? अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था कि अपसारी और अभिसारी, अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अपसारी और अभिसारी। सबसे पहले हम लोग अभिसारी और अपसारी समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अपसारी मतलब क्या होता है? अपसारी, अपसारी क्या होता है? अपसारी। ठीक है, और अभिसारी यानी किरण पुंज। जब हम पढ़ाए हुए थे आपको लाइव चैप्टर, मतलब इसी में फर्स्ट टाइम मतलब मैं शुरू किया था इंट्रोडक्शन क्लास को, उसमें बताया था अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज में पढ़ाया था। तो ठीक है, अपसारी किरण पुंज मतलब क्या होता है? अपसारी मतलब होता है कि जब किरण क्या करता है, एक बिंदु से बाहर निकलता है, एक बिंदु से क्या होता है? बाहर निकलता है, यानी किसी प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद वो क्या होता है? फैल जाता है यानी छितरा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं अपने भाषा में? छितरा गया है प्रकाश, जो है क्या होगा? फैल गया है। तो किसी बिंदु से जब प्रकाश निकल के फैल जाता है उसको कहते हैं अपसारी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इस पे प्रकाश पड़ता है तो वो क्या करता है? चारों तरफ फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका उपयोग सड़क पर लगे लैंपों में करते हैं, सड़क पर लगे लैंपों में करते हैं ताकि वो ज्यादा दूर तक क्या हो? प्रकाश दिखाई। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अब एक और चीज है अपसारी और दूसरा आता है अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? मतलब वैसा किरण पुंज जो काफी सारे जगहों से आकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, बहुत सारे स्रोतों से आकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। जैसे हम अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अपसारी दर्पण क्या होता है, अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण पूछ देता है, या अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज। ये तीन किरण जो होता है वो तीन होता है, अपसारी किरण पुंज होता है, अभिसारी किरण पुंज होता है और समानांतर किरण पुंज होता है। ठीक है, तो हम लोग उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभी अवतल दर्पण में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये अवतल दर्पण क्या होता है? ठीक है, उसके बाद हम लोग अभिसारी पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का यानी किसी खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। इसका परावर्तक सतह क्या था? उभरा हुआ था। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ था और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ, और उभरा हुआ भाग पर क्या किया गया है? पेंट किया गया होता है। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ तथा उभरे हुए भाग पर पेंट किया गया होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं?
अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, इसमें इस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इसकी स्थिति क्या होता है। अब देखिए इस पर बना प्रतिबिंब, इसका नेचर जो होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है, इसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, उल्टा, उल्टा और वास्तविक, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी अब जैसे देखते हैं हम लोग सेविंग कराने के लिए हम लोग जाते हैं सेविंग दर्पण का उपयोग देखते हैं। डॉक्टर जो होता है नाक कान गला आदि को चेक करने के लिए वो क्या करता है, नाक कान गला आदि को चेक करने के लिए वो क्या करता है, एक छोटा सा टॉर्च रखा रहता है जिसपे कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। जब उसको हम लोग जलाते हैं तो वो क्या करता है, पहला प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है और आसानी से वो क्या करता है, हमारे गाल, हमारे गला, कान, नाक को आसानी से देख लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखे होंगे गाँव देहात के आदमी हम लोग नाच में देखे होंगे लेजर लाइट जो जलाता है, ठीक है, नचनिया के शरीर के ऊपर जो जलाता है, ठीक है, उसमें भी कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सेविंग दर्पण के रूप में करते हैं। जैसे हम लोग बाल कटवाने जाते हैं या फिर सेविंग कराने के लिए जाते हैं तो फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे जब देखिएगा कि वहां पे बड़ा बड़ा शीशा लगाया हुआ होता है, क्या करता है, बड़ा बड़ा शीशा लगाया गया होता है, तो फिर उसमें अगर हम लोग का कोई दाढ़ी वाड़ी छूट जाता है या फिर कहीं बाल आपको ज्यादा बड़ा दिखाई देता है तो फिर वो क्या करता है, आवर्धित कर देता है। यानी जो अवतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या करता है, वस्तु से बड़ा करके दिखाता है, वस्तु से क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, इसमें बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका उपयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसका उपयोग क्या क्या है, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। ठीक है, उपयोग क्या होता है, उपयोग जो होता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सेविंग दर्पण, क्या करते हैं, सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं, सेविंग दर्पण में। उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जो होता है नाक कान गला आदि की जांच करने के लिए क्या करता है, डॉक्टर जो है नाक कान गला आदि को जांच करने के लिए वो क्या करता है, एक टॉर्च रखता है, छोटा सा टॉर्च रखता है और उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण पर जब लाइट पड़ता है तो क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। उसके बाद इसका उपयोग जो है हेडलाइट में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। उसके बाद हेडलाइट के साथ साथ सर्च लाइट भी होता है, क्या होता है, सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है, हेडलाइट, सर्च लाइट। ठीक है, सेविंग में हो ही गया, बाल दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, ये भी मैंने बता दिया कि अवतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग चर्चा जारी रखेंगे।